wearing shoes. She is drinking tea with umbrella. Milk or tea? Milk. I'm going to Dubai. We are going on a summer vacation. The camera is blurry. Yeah. My outfit for Mumbai. और वहां से हमारी फ्लाइट है दुबई के लिए और सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये है मैडम. कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हमें निकलना है. टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी. मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ तो बेसिकली व्लॉग की स्टार्टिंग घर से करनी थी इसलिए मैंने स्टार्ट किया है. और मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे पता भी नहीं चल रहा किधर देखना है और किधर क्या करूँ. अभी यूज की हो जाऊंगी एक दो दिन में. मैं ये बोल रही थी कि हम दुबई जा रहे हैं, जाएंगे मुंबई. उसके लिए हमारी ट्रेन है. अभी 3 o'clock हो रहे हैं और गर्मी की तो बात ही मत पूछो. बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है. तो कल मॉर्निंग में हम 7 o'clock मुंबई पहुंच जाएंगे. उसके नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट है. तो एक दिन हमारा स्टे है मुंबई में. तो यस, और मेरे बाल कुछ कल मैंने ही घर पर काटे हैं तो अभी मुझे सेट करना नहीं आ रहा इनको. बट जब मैं अपने आउटफिट पहनूंगी तो आउटफिट के अकॉर्डिंग इन्हें सेट कर लूँगी. ओके, सो अभी मैं निकलती हूँ नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी. चलो हम ट्रेन में पहुँच गए और ट्रेन स्टार्ट होने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है. और मैं बता नहीं सकती इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है बाहर. जैसे ही हम ट्रेन में बैठे ना तो हमें रिलैक्स आया. मतलब इतनी गर्मी में कोई जॉब करना या कुछ भी करना बहुत मुश्किल है यार. क्या बोल रहा है? शॉर्ट वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा. तो खुद मैंने खुद ने ट्रिम किया है. वीडियो में जो कट किया ना क्लिप उनको, वो वीडियो में जो ड्राई किया है ना वो इन्होंने किया. उसके अलावा पूरा काम मैंने किया. आप किए हो, तुमने किया. उसके अलावा ये पीछे जो है ना वो मैंने किया. ब्लर ड्राई जो किए हैं वो इन्होंने थोड़ी थोड़ी किए क्योंकि ऑब्वियसली वो अकेले से नहीं होता है. बाकी पूरा जो हेयर कट है वो मैंने किया है. तो कैसे लगे कमेंट में बताना. और ये थोड़ा ना बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग करने का असर है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ. और व्लॉगिंग तो छोड़ो, मैं लॉन्ग वीडियो भी आजकल यूट्यूब पर बहुत कम डाल रही हूँ तो इस वजह से मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ. बस ये समझ लो कि मैं घूमने जा रही हूँ अपनी ट्रिप पर और मुझे ना व्लॉग करने का बहुत मन था तो मैंने स्टार्ट कर दिया. क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ समझ नहीं आ रहा. बस आप थोड़ा मैनेज कर लेना. देख लीजिए मुंबई. यहाँ से अब हम जाएंगे होटल और अभी यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ से आपको हमारी आवाज़ भी नहीं पहुँची होगी. तो होटल जाके हम डिसाइड करेंगे कि आज हमें करना क्या है. So this is my first journey in Mumbai local. वो इतनी थोड़ी स्थान है, मतलब इसको ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी चल जाएगी, फिर जल्दी जल्दी सब कुछ करना है. जल्दी जल्दी सब कुछ करना है. मॉर्निंग में अभी थोड़ा इतना नहीं रखा मुझे. एक्चुअली लोकल के नाम से तुम्हारा फोन घुमाओ से डर लगता है और कुछ नहीं. आज भी मुझे जो चेक इन है हमने रिक्वेस्ट करके बोला तो है उनको कि 9:30 में चेक इन कर दीजिए. तो फिर अंदर जाएंगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद रेडी होके थोड़ा मार्केट घूमने का है. बट हमको ना थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से कोल्ड और रनिंग नोज इसकी वजह से हम परेशान हो गए. कोल्ड में जो टायर्डनेस होती है ना पसीना पसीना आ गया. हाँ, इसको पसीना पसीना आ गया. तो आप जाके आराम से, एसी चल रहा है, थोड़ा दूर बैठो ना. तो बस अभी है ना हम हमारा
अच्छे से, मतलब कोल्ड की वजह से हमें थोड़ी टायर्डनेस हो गई, अदरवाइज हम थके तो नहीं है। अभी देखो उसके बाद जाते हैं। वैसे यहाँ पे गर्मी वैसी वाली नहीं है जैसी कड़कती धूप होती है हुबली में थी वैसी, यहाँ पे थोड़ी चिपचिपी ह्यूमिड वाली गर्मी है तो वो थोड़ी सहन हो जाती है। 8:31 और इसको गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने इसको अपनी गोद से हटाया इसलिए। तो अभी ये और इसके पापा हैंड वॉश करने गए तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉगिंग कर लेती हूँ शांति से। तो अभी इन्होंने 9:30 हमें चेक इन करने के लिए एग्री हुए हैं तो उसके बाद हम रूम में जाएंगे और हमने सोचा है कि तब तक हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं जो कि मैं पराठे वगैरह बना के लाई हूँ और फिर हम शावर वावर लेके हम बाहर निकल जाएंगे। तो आज हमने सोचा है कि थोड़ा करेंसी चेंज करवाने का है और शॉपिंग करवाने का है। शॉपिंग बोले तो एक यहाँ पे फेमस मार्केट है बांद्रा हिल करके, हिल स्टेशन, तो वहाँ जाना है। थोड़ा सरोजनी काइंड ऑफ है वो, थोड़ा उससे महंगा है और सरोजनी से थोड़े अच्छे आइटम मिलते हैं तो वो एक्सप्लोर करने का है बिकॉज़ वापस मुंबई कब आने का होगा तो वो देख के हम। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली 9:30 हमने रूम में एंट्री ले लिया। ओ माय गॉड, रूम देख के ना दिल खुश हो गया, बड़ा रूम है तो मुझे तो ये रूम बहुत अच्छा लगा है। दुख की बात यह है कि हम यहाँ सोने नहीं आए, हम ही बस यहाँ पे शावर लेके और हमें अभी निकलेंगे। एंड दिस इज आवर विंडो। विंडो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसे ही। एंड दिस इज आवर बाथरूम, मतलब हमें सिर्फ 10 घंटे ही रुकना है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी रूम बुक किया है वो बहुत अच्छा रूम है। होपफुली हम ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे हो पाते। ताशु का गई अच्छा लगा दो के निकलने। और इसका ये काम है कि जिस भी होटल में जाती हूँ वहाँ टेलीफोन उठाती है और वहाँ पे पंचायती करना स्टार्ट हो जाती है। तो फटाफट से नाश्ता तो हमने कर ही लिया था, अब फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे काम के लिए, मतलब एक भी ड्रेस नहीं खरीदी है, एक भी ड्रेस नहीं खरीदी है। आई मीन मैंने सोचा था कि जो भी मेरे पास क्लोथ लग रहा है दिल्ली के जनपद की तरफ कुछ मिल जाएगा। यस 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 यस, मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास आउटफिट है ऑलरेडी उनको मैं रीस्टाइल करके पहन लूंगी क्योंकि बार बार किसी ट्रिप के लिए कपड़े खरीदना इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी और थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, इसलिए मैंने कोई भी कपड़े नहीं खरीदे, सिर्फ एक ड्रेस खरीदी थी। बट जैसा कि मुझे पता चला है कि हमारी फ्लाइट मुंबई से है और तो मैंने सोचा कि मुंबई जा ही रहे हैं तो क्यों ना सरोजनी की थोड़ी फील ले ली जाए। ऑब्वियसली सरोजनी तो नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा हिल रोड स्टेशन ट्राई कर लेते। सो फाइनली वी ऑल आर रेडी टू गो फॉर मार्केट एंड प्लस करेंसी चेंज। सो दिस इज माई आउटफिट। गो टू फूड, इसको हमेशा कहीं जा रहे रेडी होने तो गो टू फूड, आई एम ईटिंग फूड। बस बच्चे ना बच्चों की लाइफ एंजॉय करते हैं। चॉकलेट फूड, चॉकलेट और फूड, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो ये है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो ये है कि हर वीडियो में ये एक चीज बोलती है दुबई दुबई दुबई, तो हमसे ज्यादा एक्साइटेड इसको। बस अभी चलते हैं काम करने, फिर बांद्रा हिल रोड। होपफुली अंदर तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमारे चेहरे बहुत खुश है। होपफुली बाहर भी अच्छी ठंडक हो, मतलब ये मुंबई आई थिंक यहाँ पे चिपचिपी गर्मी होगी लेकिन ह्यूमिड ज्यादा होगा, लेकिन एकदम कड़क गर्मी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, तो बाहर जाके पता चलेगा कैसा लगता है। सो ओके गाइस, अब मिलेंगे आपको हम मार्केट। सबसे पहले हमने करेंसी चेंज करवाई जो कि हमें कर्नाटक से बहुत सस्ती पड़ी, अप्रॉक्स 6,000 रुपीज़ का डिफरेंस था यहाँ पर। मुंबई एक्चुअली करेंसी का हब है तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली और बहुत चीपेस्ट प्राइस में करेंसी चेंज मिल जाएगी। उसके बाद हम बांद्रा हिल रोड गए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्लोथिंग स्टफ थे, यहाँ पे H&M ज़ारा के ड्यूप्स थे और वो सारे न्यूली थे। सरोजनी मार्केट जैसे थ्रिफ्टेड या यूज आइटम यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सारे आपको न्यूली पीसेस मिलेंगे। थोड़े से एक्सपेंसिव है बट यस, उनका न्यूली स्टफ होता है इसलिए वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। ट्रेंडी ज्वेलरी, ट्रेंडी फुटवेयर, ट्रेंडी टी शर्ट सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और वेदर बहुत अच्छा था।
बांद्रा हिल रोड में ही बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे, और शॉपिंग के साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जहाँ से हमने फूड खाया था वहाँ पे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा फूड था। तो हमने चाउमीन, पानी पूरी और सैंडविच और मसाला डोसा मंगाया था। ये बहुत टेस्टी थे और खाने में इनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। ऐसे चीप क्वालिटी का नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, तो आप शॉपिंग के साथ में अपना फूड भी इन्जॉय कर सकते हो। हम शॉपिंग करके आ चुके हैं और पहली बार अप्रैल के मंथ में अगर हम घूमने गए हैं तो मुझे इतना अच्छा लगा। अगर मैं वेदर की बात करूँ तो इतना अच्छा वेदर है यहाँ पे कि गर्मी में भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कोई चिपचिपी गर्मी नहीं थी और गर्म हवा भी नहीं चल रही थी। बहुत अच्छा वेदर था, हमने बहुत अच्छे से शॉपिंग करी है और खाना भी खूब सारा खाया था। मैं आ चुकी हूँ, सो जाएंगे, फिर शाम को देखेंगे कि हम इंडिया गेट जाते हैं कि नहीं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा मार्केट, और मतलब ये हमारी ताशु मैडम भी अभी थकी नहीं है, वरना यूजुअली क्या होता है कि ये थक जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जैसे दिल्ली में थ्रिफ्टेड आइटम जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, इस वजह से वहाँ पे 200, 100, 300 का आइटम ज़्यादा मिलता है। बट यहाँ पे जो मैंने देखा है कि यहाँ पे थ्रिफ्टेड कम है, ज़्यादातर आइटम न्यू है, इस वजह से आपको 400-500 में आइटम्स मिलते हैं, बट सारे न्यू होते हैं, थ्रिफ्टेड नहीं होता है। सारे न्यू ट्रेंडी आउटफिट और टॉप्स वगैरह रहते हैं। तो मुझे यहाँ की क्वालिटी सरोजनी मार्केट की क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी लगी है, बिकॉज थ्रिफ्टेड आइटम यहाँ पे कम है और सारे ट्रेंडी और सारे न्यू हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने बहुत कम शॉपिंग करी है। मतलब जैसे सरोजनी में तो मैं लूट के एक दो बैग भर के लाती हूँ, वैसे मैंने शॉपिंग नहीं करी। हार्डली मैंने 2 या 3 ड्रेस खरीदी है और थोड़ी बहुत ज्वेलरी, बस इतनी सी, क्योंकि मेरे पास वैसे ही बहुत कपड़े हो चुके हैं। तो मैं ना आजकल कपड़े खरीद क्योंकि मैं ना आजकल कपड़े कम खरीदती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं, इसलिए आजकल कहीं और इन्वेस्टमेंट मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाते हैं, फिर शाम में कहीं घूमने गए तो मैं आगे का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, नहीं घूमने गए तो आगे का व्लॉग मैं इवनिंग में एंड कर दूंगी। तो गाइज वी आर रेडी फॉर आवर डिनर, तो थोड़ा रेस्ट ले लिया है, अब थोड़ा बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं। और ये भी ताशु भी रेडी हो चुकी है, थोड़ा वॉक कर लेंगे बाहर और यहाँ पे देख आज वॉकिंग ऐसी हमारी बहुत वॉक हो चुकी है और बाहर टहल के उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट ले लेंगे क्योंकि हमारी 8:30 फ्लाइट है, तो 4 हमको निकलना पड़ेगा होटल से, बिकॉज इमिग्रेशन प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। आ जाओ खाना खाने जा रहे हैं अभी, मम्मा प्यारी है। तो गाइज अभी रूम में आ चुके हैं और अभी बज रही है 9:30 और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा ना अपनी पैकिंग वैकिंग करके जो भी ये स्टफ पीछे बिखरा हुआ है उन सबको पैक करके सो जाऊँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 4:00 निकलना है। आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ और कल नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी जब हम दुबई के लिए एयरपोर्ट जाएंगे, दुबई के लिए जाएंगे तब। आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ, इसी तरीके से हमारे व्लॉग एंजॉय कीजिए। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ और मैं लॉन्ग वीडियो भी मैंने डालना बंद कर दिया है, बट यस गाइज जो भी है आप एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी शॉर्ट वीडियो मैं बहुत डालती हूँ तो वो आप एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।